हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज एक हॉल वीडियो होने वाला है और ये मेरा 5-6 महीने बाद एक हॉल आ रहा है। मैंने इससे पहले उतने ही टाइम पहले एक हॉल वीडियो डाला था और यूजुअली इसी टाइम पीरियड पे मैं एक बड़ा हॉल करती हूँ। बीच में एक आध प्रोडक्ट को छोड़ के आई यूजुअली डोंट बाय एनीथिंग। इस हॉल में मैं कुछ ऐसे ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स ट्राई कर रही हूँ जो मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किए। ये रहा वो बॉक्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है तो वैसे नायका का बॉक्स, लेकिन इसमें सिर्फ नायका का हॉल नहीं है, इसमें अमेज़ॉन है, नायका का तो है ही। और अगर आपने मेरा मॉल ऑफ एशिया वाला ब्लॉग देखा है तो उसमें भी मैंने बताया था कि मैंने कुछ चीज़ें खरीदी हैं वहाँ से, तो वो प्रोडक्ट्स भी इसमें हैं। 2-3 चीज़ें ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो यही होने वाला है ये हॉल वीडियो, और चलिए शुरू करते हैं। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो या लगे तो प्लीज़ लाइक करने में ज़रा भी संकोच मत करना। कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला प्रोडक्ट है ये नायका नेचुरल्स का शैम्पू और ये हेयर मास्क। दिस इज़ द नायका नेचुरल्स रोजमेरी एंड नेचुरली डिराइव नायसिनमाइड सल्फेट फ्री शैम्पू एडवांस्ड हेयर ग्रोथ। तो ये मैंने मास्क और शैम्पू मंगाया है। ये मेरा नायका नेचुरल्स का पहला परचेज है। आई हैव नॉट यूज्ड एनीथिंग फ्रॉम नायका नेचुरल्स बिफोर। आई हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस वंस, 4-5 बार और यूज़ कर लूँ उसके बाद इसका रिव्यू मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। एंड फर्स्ट इंप्रेशंस आर वेरी गुड। और प्राइजेस गाइस, आई मीन आई विल लिंक द प्रोडक्ट्स बिलो, बट प्राइजेस यू नो जब आपको खरीदना होगा क्या होगा, हु नोस। सो एनीवे, बट जो प्रिंटेड प्राइस है इस पे ये 399 का है और जो मास्क है वो है 599। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम प्लम। अब प्लम का भी मैं आई थिंक 5-6 साल बाद कुछ प्रोडक्ट ट्राई कर रही हूँ, हेयर प्रोडक्ट। दिस इज़ द प्लम कोकोनट मिल्क एंड पेप्टाइड स्ट्रेंथ एंड शाइन शैम्पू। और इसका भी मैंने हेयर मास्क भी मंगाया है, सेम कोकोनट पेप्टाइड स्ट्रेंथ एंड शाइन मास्क। या और इसका एक सीरम भी आता है, कोकोनट एंड स्क्वालिन न्यूट्री शाइन हेयर सीरम। तो ये 3 ट्रायो मंगाया मैंने और ये जो 3 प्रोडक्ट्स हैं मुझे 50% डिस्काउंट पे मिल गए थे। तो डिस्काउंट तो मैं आपको बता सकती हूँ परसेंटेज, तो ये मुझे 50% डिस्काउंट पे मिले थे इसलिए मैंने तीनों खरीद लिए। और आप देख सकते हैं मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किया इसको, तो जब यूज़ करने लगूंगी तब आपके पास इसका रिव्यू लेके आऊँगी। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम सेटिफिल। दिस इज़ अ सेटिफिल ब्राइट हेल्दी रेडियंस ब्राइटनेस रिवील क्रीमी क्लेंजर जेंटल ब्राइट टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये है सेटाफिल का क्लेंजर। इसका मेरे को मुझे जेंटल क्लेंजर लग रहा था कि लेट्स ट्राई द जेंटल क्लेंजर, बहुत हाइप्ड है, सब लोग उसको पसंद करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। बट आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न आई वेंट टू दिस, देर शुड बी समथिंग इन दिस विच मेड मी बाय दिस, बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ द हेल्दी ब्राइट टेक्नोलॉजी और आई डोंट नो, ब्राइट रेडियंस वर्ड देख कर मैंने ये खरीद लिया। सो या, दिस इज़ अ क्लेंजर। तो इन सब प्रोडक्ट्स का रिव्यू आएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा क्योंकि बहुत प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। नेक्स्ट अप, डॉट एंड की से मैंने विटामिन सी मॉइस्चराइजर मंगाया है। दिस इज़ विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट मॉइस्चराइजर। ये डॉट एंड की का है। डॉट एंड की के प्रोडक्ट्स मुझे जनरली पसंद आते हैं, सो दैट्स वाई आई थॉट आई गिव दिस क्रीम अ ट्राई। और है विटामिन सी, एक और है ये फॉक्सटेल विटामिन सी सेरम, ब्राइटनिंग सेरम। इसका रिव्यू मेरे चैनल पे ऑलरेडी है जो नीचे लिंक होगा या आई बटन पे आप क्लिक कर लेना। तो ये 2 विटामिन सी मंगाए हैं। दिस इज अ मॉइस्चराइजर एंड स्टफ, सो आई थॉट यू नो लेट्स गिव दिस अ ट्राई। समर्स आ रहे हैं तो 2 सनस्क्रीन मैंने फिर से मंगाई हैं और ये है एक्वालॉजिका की ग्लो प्लस ड्यूई सनस्क्रीन पपाया और विटामिन सी के साथ। और फिर से ये डॉट एंड की का है। दिस इज द वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन SPF 50 PA प्लस 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 प्लस, बेटर विटामिन डी एब्जॉर्प्शन एंड ऑल। तो ये डॉट एंड की है और ये मुझे इसमें ये वाटरमेलन कूलिंग वगैरह थोड़ा अच्छा लगा, बिकॉज यू नो समर टाइम में अगर इफ समथिंग रियली कूल्स एप्लीकेशन के टाइम अगर कूलिंग सेंसेशन आता है तो व्हाट बेटर देन दैट, राइट। तो ये 2 सनस्क्रीन मंगाई हैं मैंने। 2 नेल पॉलिश रिमूवर्स मंगाए हैं। ये तो लैक्मे का अपना सादा 49 रुपीज़ वाला है। टेक्निकली मैंने ये नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए नहीं मंगाया है, कभी कभी वो स्टिकर वाले स्टेन लग जाते हैं ना, या तो बर्तनों पे या किसी और चीज़ पे, तो वो एसीटोन वाले नेल पॉलिश रिमूवर्स निकाल देते हैं, तो इसलिए मैंने ये मंगाई है। और अपने नेल्स के लिए मैंने ये कलर बार का अल्टीमेट नेल रिमूवर एसीटोन फ्री मंगाया है इन द शेड इन द फ्लेवर डार्क चॉकलेट। आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस ऑन डार्क चॉकलेट। इसका फ्लेवरलेस वाला बॉटल है मेरे पास जो अभी मैं यूज़ करती हूँ। बेसिकली जस्ट हैव टू डिप एंड रोल एंड आई थिंक इट्स वेरी यू नो क्विक एंड फास्ट एंड ईजी टू डू थिंग रादर देन यू नो कॉटन सर्च करो फिर रगड़ो। ये चॉकलेट वाला कैसा है देखते हैं। आई होप माई फिंगर्स स्मेल लाइक चॉकलेट बिकॉज आई कैन देन कीप स्मेलिंग देम। और नायका से लास्ट मैंने नैट हैबिट का ये समर दशाबुति हेयर ऑयल मंगाया है।
जो कि ऐसा दिखता है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस ब्रांड के साथ कुछ ट्राई करना, नॉट पीआर, नॉट स्पॉन्सर्ड, बट फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू ट्राई आउट दिस ब्रांड, क्योंकि इसके मैं बहुत सारे प्रमोशंस देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मुझे इनका जो जिस वे से ये लोग प्रमोट करते हैं, हम ऐसे अपनी चीज़ें बनाते हैं, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो इसलिए मुझे ये हेयर ऑयल मैंने खरीदा है। दिस इज़ हाइबिस्कस आमला फॉर एक्सेलरेटेड हेयर ग्रोथ। योर गर्ल नीड्स सम हेयर ऑन द हेड, सो दैट्स वाई आई वेंट अहेड एंड आई ऑर्डर दिस। इसका रिव्यू मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड मूडी। अब ये मैं इस ब्रांड के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, मैं फर्स्ट टाइम ही इसको या तो देख रही हूँ या इसके बारे में सुन रही हूँ, एंड खरीद तो डेफिनेटली फर्स्ट टाइम रही हूँ। बट ये मैंने अमेजोन से मंगाया, बट ये नायका पे भी अवेलेबल है। तो ये है मूडी डर्मा सूथ जेंटल ड्यू एसेंस फेस मिस्ट विथ राइस वाटर एंड पैंथेनॉल। तो ये कुछ ऐसे आता है इसका, ये प्लास्टिक निकाल देते हैं। तो ये रहा, ये फेस मिस्ट है बेसिकली। तो या दैट्स द वन। पता नहीं ये ब्रांड कैसा है या इसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, वो तो ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। और फिर इसी ब्रांड से मैंने नेक्स्ट मंगाया है मूडी 7D हाइड्रो बर्स्ट ड्यूइट फेस सीरम। तो ये नायसिनामाइड हाइलोरोनिक एसिड और पेप्टाइड्स का फेस सीरम है, और ये कुछ ऐसा दिखता है। इसकी बॉटल कैसी है देख लेते हैं, बिकॉज मैंने खोला ही नहीं है एक्चुअली। तो लेट्स ओपन अप एंड सी। ये रही बॉटल, काफ़ी छोटी है। आई हाँ मैं बहुत बड़ी है तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, बट दिस इज़ लाइक 20 ml बॉटल, छोटी सी है। तो या ये हेलोरॉनिक एसिड और पेप्टाइड्स वाली है बेसिकली, तो ये भी देखेंगे कैसा है। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम स्क्विश टाउन। अब ये भी ब्रांड मेरे लिए नया है, आई जस्ट केम अक्रॉस इस ब्रांड ऑन अमेजोन। और जितना मैंने इस ब्रांड के बारे में देखा है, दे डू लाइक फेस क्लेंजर्स, हैंड वॉशेज, शार जेल्स एंड स्टफ लाइक दैट, और इनके परफ्यूम्स अच्छे हैं। तो ये वाला मैंने एक हैंड वॉश मंगाया है, क्लेंजिंग हैंड वॉश, दिस इज़ एरोमा थेरेपी, और दिस इज़ रोजमेरी एंड एल्डर फ्लावर, और ये इसकी बॉटल है। पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत स्लीक बॉटल है, और यहाँ पे आप एक छोटा सा अर्गोनॉमिक के डिज़ाइन भी देख सकते हैं। तो यप, ये रही वो हैंड वॉश, और फ्रेग्रेंस इसकी बहुत अच्छी है, रोजमेरी एंड एल्डर फ्लावर। इट्स वेरी फ्लोरल एंड इट्स लिटरली लाइक इट्स सो एरोमेटिक, लाइक इट्स रियली एन एरोमा थेरेपी काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। तो फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी। अब लास्ट के जो दो आइटम्स हैं वो हैं ईव्स रोशर के, और ये मॉल ऑफ एशिया से खरीदे थे मैंने। तो यहाँ से मैंने लिया है एक और शार्जल और एक बॉडी लोशन। दिस इज ईव्स रोशर ला आर्गन अला रोजे। अब बेसिकली आर्गन एंड रोज का ये शार जेल है और ये उसका बॉडी लोशन है, तो ये कॉम्बो था, और ये मुझे बाय वन गेट वन फ्री मिला, तो वाओ। और ये कुछ 1150 का ये है, तो ये मुझे फ्री मिला, या ये, हाँ ये 1150 का है, या दिस इज 1190 रुपीज़। तो इस पे मुझे ये शार जेल फ्री मिला, तो आई थिंक दैट वॉज अ वेरी गुड डील। लाइक फॉर 1190, 1200 आई गॉट बोथ फॉर लाइक 600 ईच। और उस सेल्स लेडी ने, शी वॉज वेरी नाइस बाय द वे, शी गेव मी अ सैम्पल ऑफ दिस ईव्स रोशर ब्रिलियंस शाइन, आई डोंट नो, दिस इज रिंसिंग विनेगर इज वॉट इज रिटन ऑन दिस। उसने बेसिकली ये बोला, जब आपके बाल धुल जाएँ तो आप इस पे इसको जरा आपने अपने बालों पे लगा दीजिए, एंड इट विल गिव यू 5 मिनट्स रख के वॉश कर दीजिए पानी से, एंड इट विल गिव योर हेयर नाइस शाइन एंड एवरीथिंग। तो मैंने इसे यूज़ तो नहीं किया है अभी तो, बट यूज़ करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज या हु डजंट वांट नाइस शाइनी हेयर, इजन इट। तो ये वो विनेगर शाइन आफ्टर रिंस दिया है उसने एज अ सैम्पल, अच्छा लगा तो कैन गो हेड एंड बाय द फुल साइज वन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये दो एक्सेसरीज हैं जो मैंने मॉल ऑफ एशिया के लाइफ स्टाइल के स्टोर से लिया था, पैक ऑफ टू स्क्रंचीज। ये बेसिकली, ये तो वेलवेट है, ये भी ये सैटिन है, ये वेलवेट है, और ये सारे सैटिन हैं। तो यूजुअली मैं अपने बालों के लिए ऐसे सैटिन वाले स्क्रंचीज ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसमें ना एक तो हेयर फॉल नहीं होता है, बाल फंसते नहीं वगैरह, आराम से निकल जाता है, एंड देर इज़ नो स्टैटिक ऑल्सो इन द हेयर। तो इसलिए आई हैव स्विच टू दीज सैटिन और वेलवेट स्क्रंचीज, आई थिंक 1-2 साल हो गए। तो ये मुझे दिख गई थी तो ये मैंने ले लिया था, और इनका प्राइस 249, इसका 249 है, ये 299 है सिल्क वाले, एंड दे हैव लाइक दिस
पर्ल इन द मिडल. सो दैट वॉज ऑल ऑफ द हॉल. आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो. लाइक आई सेड, रिव्यूज आएंगे बट थोड़ा टाइम लगेगा. एज एंड व्हेन आई विल स्टार्ट यूजिंग दिस प्रोडक्ट्स, आई विल स्टार्ट पुटिंग आउट रिव्यूज ऑफ देम. तो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू वॉच दिस वीडियो. मैं आपसे जल्द मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.